प्रसाद जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ पार्वती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। उद्यमेश्वर तंत्र में अगली जो यक्षिणी है जिसकी साधना के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, 11वें नंबर पे आती है महेंद्री। महेंद्री का मतलब होता है रानी, जो सबसे पावरफुल हो उसको कहते हैं महेंद्री। और इनकी जो शक्तियाँ हैं, जो शक्तियाँ ये देती हैं, वो दो प्रकार की हैं। आप लोगों ने ऐसे YouTube पे सर्च किया होगा, महेंद्री यक्षिणी की बहुत सारी साधनाएं आती हैं जिसमें कहता है कि इनकी साधना करने से आप बहुत धनाढ्य हो जाइएगा, या फिर आपके पास बहुत पैसे आ जाएंगे, अचूक धन आएगा, अकस्मात धन आएगा। तो मैं आपको बता दूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनकी साधना करने से एक प्रैक्टिकल और एक इम्प्रैक्टिकल चीज़ है जो होती है। कहने के लिए दोनों प्रैक्टिकल है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में उसमें दो शक्तियाँ मिलती हैं। जो एक शक्ति है वो आप आत्मसात कर सकते हैं, दूसरी शक्ति के लिए बहुत योगिक क्रियाएँ करनी पड़ती हैं। तो क्या होता है महेंद्री यक्षिणी की साधना करने से? महेंद्री यक्षिणी की साधना करने से आपको उड़ने की शक्ति मिलती है, ठीक है। लेकिन कलयुग में जिस तरीके का हमारा शरीर का संरचना है, जिस तरीके का हम लोगों के आसपास का पर्यावरण है, ये शक्ति मिल जाना और उसके इस शक्ति का प्रयोग करना ये काफ़ी कठिन है। मतलब हाल फिलहाल में नहीं, हाल फिलहाल में अगर मैं बोलूँ तो 50-60 साल पहले का मैं ऐसे कहानियाँ मैंने सुन रखी थी साधकों के, जो कि पेड़ हाँकते थे, मतलब पेड़ पे चढ़ के उसको उड़ाते थे। लेकिन अभी कोई ऐसा कर पाता है कि नहीं, ये मुझे शक है। दूसरा जो प्रैक्टिकल इसका गेन आपको ये होगा कि आपको हीलिंग पावर्स मिलता है। हीलिंग पावर का मतलब है, इनके मंत्र को आपने सिद्ध कर लिया, आप अगर किसी बीमार के हाथ सर पे हाथ रख दोगे, या फिर आप किसी के ऊपर प्रेत बाधा है, भूत बाधा है, उसके सर पे हाथ रख दोगे, तो उसका जो भी व्याधि है वो नष्ट हो जाएगा। आप किसी ऐसे जगह पे चले जाओगे जहाँ पे बहुत नेगेटिविटी है, इस मंत्र का जाप करते हुए, या आप अगर सिद्ध हो इस मंत्र में, तो आपके जाने मात्र से उस जगह पे पॉजिटिविटी आ जाएगी। लेकिन जो शुरुआत में महेंद्री यक्षिणी की साधना की जाती थी वो उड़ने की शक्ति के लिए ही की जाती थी। तो इनकी साधना कैसी होती है? बहुत ही इनका जो साधना है बहुत नॉर्मल साधना है, लेकिन मौके का साधना है, ये हमेशा नहीं हो सकता, ये आपको हमेशा तैयार रहना होगा, कभी भी इनकी साधना हो सकती है। तो क्या होता है इनकी साधना में? इनकी साधना में तुलसी के पेड़ के नीचे जब रेनबो हो, ठीक है, जब सातों रंग दिखे आकाश में, तब इनकी साधना होती है, और सिर्फ उसी समय इनकी साधना की जा सकती है। और करना क्या है? 10,000 बार इनके मंत्र का जाप करना है। 10,000 बार जाप करने से इनका मंत्र सिद्ध हो जाता है। बाकी जो साधना विधि है वो आप लोग जानते ही है। मंत्र क्या है? मंत्र है ओम ह्रीम महेंद्री मंत्र सिद्धिम कुरु कुरु कुलु कुलु हम सह सो हम स्वाहा। सुनिए फिर से, ओम ह्रीम महेंद्री मंत्र सिद्धिम कुरु कुरु कुलु कुलु हम सह सो हम स्वाहा। फिर से एक बार सुनिए, ओम ह्रीम महेंद्री मंत्र सिद्धिम कुरु कुरु कुलु कुलु हम स सो हम स्वाहा। इस मंत्र का 10,000 जाप आपको करना है जब आकाश में रेनबो हो, मतलब बारिश हुआ हो और उसके बाद रेनबो हो। तो इस मंत्र को आप सिद्ध कीजिए और हीलिंग पावर पाइए। साधना का जो इनिशियल स्टेज का जो भी विद्या है वो अगर सीखना है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वो एक पेड ग्रुप है, उसका नंबर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा अगर आप के बारे में जानना